क्या फेयर एंड लवली लगाने से सच में गोरे हो जाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएंगे कि फेयर एंड लवली क्रीम सच में हमें गोरा करती है या फिर नहीं। इसके लिए मैं इस क्रीम को पूरे 15 दिनों तक स्किन के सिर्फ आधे हिस्से पर यूज करूंगा और दूसरे वाले हिस्से पर कुछ भी यूज नहीं करूंगा। और 15 दिन बाद देखेंगे कि जिस हिस्से पर हमने फेयर एंड लवली का यूज किया है वो वाला हिस्सा गोरा होता है या फिर नहीं। इसके लिए मैं मार्केट जा करके एकदम ब्रांड न्यू फेयर एंड लवली क्रीम खरीद लाया, लेकिन इस क्रीम को सिर्फ लड़कियां यूज करती हैं, इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को भी लड़की की स्किन पर ही ट्राई करेंगे। इसके लिए मैंने इस हाथ की स्किन को दो भागों में बांट दिया है। इस वाले हिस्से पर हम 15 दिनों तक फेयर एंड लवली क्रीम का यूज करेंगे और इस वाले हिस्से पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो 15 दिन बाद देखते हैं कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से गोरा हो पाता है या फिर नहीं। पार्ट 2 15 दिन बाद।